उत्तर कोरिया के छठे परमाणु परीक्षण की वहां के सरकारी मीडिया ने पुष्टि की है। सरकारी मीडिया ने रविवार को कहा कि देश ने आज पूरी सफलता के साथ हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। यह बम उत्तर कोरिया की लंबी दूरी के मिसाइलों से भी दागा जा सकता है। उत्तर कोरिया के छठे परमाणु विस्फोट के कुछ घंटों बाद उसके आधिकारिक कोरियाई सेंट्रल टेलीविजन ने घोषणा की, हाइड्रोजन बम धमाका पूरी तरह से सफल था। इससे पहले जापान ने उत्तर कोरिया द्वारा किए गए छठे परमाणु परीक्षण की पुष्टि की थी। जापान के विदेश मंत्री तारो कोनो ने पत्रकारों को बताया, मौसम विभाग और अन्य जानकारियों की जांच करने के बाद सरकार पुष्टि करती है कि उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक इस धमाके की ताकत पिछले या पाँचवें परीक्षण से 9 गुना ज़्यादा थी। भूकंप वैज्ञानिकों को उस जगह जमीन हिलने का पता चला है जहां उत्तर कोरिया ने पिछले परमाणु परीक्षण किए थे। चीन और अमेरिका ने भी इसे एक विस्फोट बताया है। जापान से पहले दक्षिण कोरिया की न्यूज एजेंसी योनहाप ने सेना अधिकारियों के हवाले से परमाणु परीक्षण की संभावना जताई थी। उत्तर कोरिया के सुंगजी बायगाम क्षेत्र से 24 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ 5.1 मैग्नीट्यूड वाले धमाके की आवाज़ रिकॉर्ड किए जाने की बात कही गई थी। कोरिया मेटरोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि उत्तर हैमगेओंग प्रांत में दोपहर 12:30 बजे धमाके की वजह से जमीन हिलने का पता लगा है। बता दें कि कुछ घंटे पहले ही खबर आई थी कि उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम विकसित कर लिया है जिसे मिसाइल से लॉन्च किया जा सकता है। उत्तर कोरिया की न्यूज एजेंसी KCNA ने तानाशाह किम जोंग उन की कुछ तस्वीरें रिलीज की थीं जिनमें वह नए हाइड्रोजन बम का निरीक्षण करते दिख रहे हैं। काला सूट पहने किम जोंग ने उन वैज्ञानिकों के साथ न्यूक्लियर वेपन्स इंस्टीट्यूट का दौरा किया और परमाणु हथियारों को लेकर मार्गदर्शन किया। आप देख ही रहे हैं कि उत्तर कोरिया दिन ब दिन अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ है और दुनिया की महाशक्ति तमाशा देख रही है। अभी के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।